हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वीडियो लेके आई हूँ ये ब्लैक लेगिंग्स की। ये बहुत ही कॉमन लेगिंग्स होती है, ये कई लेडीज़ों के पास मिल जाएंगी आपको, कई गर्ल्स के पास मिल जाएंगी, ये मोस्टली होती है सबके पास। तो मैं 5 वेज बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। तो स्टाइल नंबर 1, आप इसको ब्लैक कुर्ती के साथ पेयर कर सकते हैं, चाहे वो प्लेन मतलब ए लाइन कुर्ती हो या फिर अनारकली कुर्ती हो, लेकिन पूरी ब्लैक होनी चाहिए तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पूरी ब्लैक होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। अगर थोड़ा बहुत कुछ बन भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पूरी ब्लैक हो तो ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और साथ में आप एक कंट्रास्ट दुपट्टा ले लीजिए, दुपट्टा कोई भी कंट्रास्ट में, ब्लैक के साथ सारे दुपट्टे अच्छे लगते हैं, तो आप कोई सा भी दुपट्टा ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा लुक आपका। और स्टाइल नंबर 2 है, आप इसे किसी भी कंट्रास्ट कुर्ती के साथ पेयर कर सकते हैं। कंट्रास्ट इसके साथ ज़्यादातर आपको ब्लैक अच्छा लगता है, पिंक भी अच्छा लगता है ब्लैक के साथ, वाइट भी अच्छा लगता है, मुझे येलो भी अच्छा लगता है, मुझे सारे अच्छे लगते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है वो है रेड, और एक आता है पेश, वो कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो उसके बाद 3rd है, आप किसी भी टी शर्ट के साथ, लेकिन आपकी टी शर्ट होनी चाहिए थोड़ी लॉन्ग, शॉर्ट टी शर्ट के ऊपर जो लेगिंग्स है वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। लेगिंग्स के ऊपर हमेशा याद रखना कि लॉन्ग टी शर्ट पहने, शॉर्ट टी शर्ट बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो आप कोई सी भी टी शर्ट ले सकते हैं आप, लेकिन वो थोड़ी लॉन्ग होती है तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप कैजुअल लुक रख सकते हैं घर पे, होता है क्योंकि लेगिंग बहुत ही कम्फर्टेबल होती है, तो कई लोगों को लेगिंग्स के ऊपर टी शर्ट पहनकर घर में ही रहना अच्छा लगता है। और स्टाइल नंबर 4 जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो है कि आपकी कुर्ती भी ब्लैक होनी चाहिए, आपका जो लेगिंग्स है वो भी ब्लैक होना चाहिए, और जो आपका दुपट्टा है वो भी ब्लैक होना चाहिए। तो जो आपका ऑल ओवर जो ब्लैक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। वो अगर आप अनारकली कुर्ती के साथ रखें तो भी अच्छा लगता है, सिंपल कुर्ती भी अच्छी लगती है, लेकिन वो पूरा ब्लैक होना चाहिए, ना उसमें दुपट्टा कंट्रास्ट आएगा ना उसमें आपकी कुर्ती कंट्रास्ट आएगी, बस उसमें आपका दुपट्टा, कुर्ती और लेगिंग्स सारी तीनों चीज़ आई होनी चाहिए आपकी ब्लैक, तो वो लुक भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। आप ये ट्राई करके देखिएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो स्टाइल नंबर 5 है, आपकी ऑल ओवर ब्लैक कुर्ती, उसके ऊपर आप शर्ग ले लो। आप शर्ग ब्लैक कुर्ती के साथ आप मैच कर सकते हैं, कोई कैसा भी शर्ट ले सकते हो आप, जैसा आपको अच्छा लगे। और तो ये जो लुक है ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, अभी बहुत ही कम लोगों को मैंने देखा है करते हुए। अगर आप स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे इस लुक में। तो मैंने आपको बताया है एक लेगिंग को हम 5 फेज में किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। तो 1st था ऑल ओवर ब्लैक कुर्ती विथ कंट्रास्ट दुपट्टा, 2nd था हमारा ब्लैक लेगिंग्स विथ कंट्रास्ट कुर्ती, एंड और जो 3rd था हमारा वो था हमारा ऑल ओवर ब्लैक कुर्ती विद ब्लैक दुपट्टा। उसके बाद जो 4th था हमारा वो था ऑल ओवर ब्लैक कुर्ती विद ब्लैक दुपट्टा, और जो 5th था वो था हमारा ऑल ओवर ब्लैक कुर्ती विद शर्ग। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मुझे बताइएगा कि ये स्टाइलिंग टिप्स आपको कैसे लगे विद ब्लैक लेगिंग्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। अगर फ्रेंड्स, बाय बाय।